राम राम सर सभी को, खम्मा गणी सर राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, अपने समोसे, मिर्ची बड़ा, आलू बड़ा, प्याज की कचौरी, दाल की कचौरी, पकौड़ी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन जयपुर राजस्थान के अंदर आज से 69 साल पहले लक्ष्मी जी एक ऐसा चखना दे गए जिससे पूरा जयपुर राजस्थान इनकी कचौरी के लिए, इनके समोसे के लिए खिंचा चला आता है। और वो है ये चटनी। देख के तो लगता है यार ये पुदीना और हरा धनिया से बनी है, इसमें क्या खास है, यही तो नहीं पता। इसमें बहुत कुछ खास है, इसमें मिला है बहुत सारी चीजें, जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसमें क्या क्या मिला होता है विद प्याज की कचौरी की मेकिंग के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड। राम राम सर सभी को, खम्मा गणी सर राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ कचौड़ी से ज्यादा उसकी चटनी फेमस है। सिर्फ लोग इसलिए आते हैं कि वो चटनी के साथ कुछ भी दे दो, हम खा लेंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ वो लोकेशन कहाँ है, क्या नाम है उनका। ये है वो पहरानी दुकान जो कि सिंस 1954 से है। लोकेशन ये है राम प्रकाश सिनेमा, राजस्थान का पहला सिनेमा जो कि अब बंद हो चुका है। और चांदी की टकसाल, यहाँ पे पहले चांदी की टकसाल बनती थी, तो उसके नाम से ये जाना जाता है जयपुर राजस्थान। और हवा महल भी बहुत पास में है। ये भैया क्या बना रहे हो बेसिकली आप? प्याज की कचौरी। तो ये जो आप मसाला बना रहे हो ना, ये वाला, इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें आलू है, प्याज है, नमक है, मिर्ची है, पुदीना है, लहसुन है, ये मिलाते हैं इसमें। तो इसमें मतलब क्वांटिटी फिक्स रहती है कि इतना आलू लेते हैं एक बार के मसाले में? कितना आलू लेते हो आप? 2 किलो आलू लेते हैं, 3 किलो प्याज, 100 ग्राम मिर्ची डलती है, 150 ग्राम नमक डलता है, 1/2 लहसुन डलता है, 100 ग्राम पुदीना डलता है। तो ये आप लोग यहाँ पे काम करते हो कितना टाइम हो गया? मेरे को 15 साल हो गए यहाँ पे। इसी मैदा में अपन कुछ मिलाते हैं, पानी मिला के बन जाता है? नमक भी डलता है, तेल भी डलता है, पानी मिलता है। कितने किलो में कितना मिलाते हो ये? 1 किलो मैदा में पाव और तेल डलता है, 800 ग्राम पानी डलता है, मसाला इसमें डाल देते हैं। कहाँ पे पड़ता है? यहाँ ही पड़ता है, जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है। ये लोही है ना, यही कितना बड़ा है, जब इसकी कचौरी बनेगी तो देखने लायक होगी। हाँ जी। तो अभी ये टीम वर्क है, वो भैया देखो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे लड्डू बना देते हैं। ये गोली बांधता है, लड्डू बांधता है, इसकी पिट्टी के गोल लड्डू, और वो यहाँ रख देते हैं। और ये भैया उठाते हैं इन लड्डुओं को, हम भरते हैं, और फिर इस जो मैदे का लोहिया बना है इसमें भर देते हैं। हाँ जी। ये क्या है? ये भैया ड्राई पेस्ट है चटनी का, मेन जो है हमारे यहाँ कस्टमर वो आते हैं बेस चटनी के पीछे, ये जयपुर में हम ही सर्व करते हैं। तो किस नाम से फेमस है? इसको कातोड़ी की चटनी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर पालक, पुदीना और हरा धना, उसके अलावा ब्लैक पेपर, रेड सॉल्ट, ब्लैक मिर्ची, और ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो ये भैया मतलब बनाई किसने, किस आपके दादाजी ने? दादाजी ने इसका वो करा था। क्या नाम था दादाजी? लक्ष्मी नारायण। अच्छा, तो इनके नाम पे रखे? नाम पे ही है। तो ये दुकान 1954 से है? 1954 से, उससे पहले ये फूड कार्ट और स्टॉल पे बेचते थे, ठेली पे बेचते थे। और उसके बाद ये जो लिक्विड है इसमें क्या? इसके अलावा ये जो पेस्ट है इसके अंदर आप जस्ट पानी डालो, उससे इसका लिक्विड पेस्ट बन जाता है। तो अभी आपके पास क्या क्या मिलता है? अभी हमारे पास है मिर्ची वड़ा, ब्रेड वड़ा, आलू वड़ा, दाल वाली कचौरी, आलू प्याज वाली कचौरी, और समोसा, और ये है पालक मिर्ची की पकौड़ी। तो ये सब एक ही चटनी से देते हो? हाँ, सर्व ये चटनी में होता है। ये देखो अभी एक कचौरी बना रहे हैं, ये देखो पकौड़ी कचौरी का कॉम्बिनेशन, ऐसे खाना पसंद करते हैं लोग बाग ऐसे खाना पसंद करते हैं। तो ये प्याज की कचौरी होगी, आलू प्याज वाली कचौरी है, और ये चटनी, और ये चटनी आप देखिए किस क्वांटिटी में चटनी लेते हैं। ये लो बाबू जी, ये स्वीट वाला लेना पसंद नहीं करते। अच्छा, ये स्वीट है, किसकी बनती है ये? व्हाइट चमचूर से और गुड़ से बनती है, प्योर चटनी है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, जैसे लोग गाड़ी करने के लिए अरारोट मिला देते हैं। तो एक चीज बताओ, ये जो चटनी है भैया, इसको बताने के कितने रुपए लोगे? चटनी नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? चलो भैया, दो समोसे दे मेरे को। समोसा बना चुके हैं, ये समोसा इनको दे, दो समोसे दे दे मेरे को। राधे राधे भैया, ये लो साहब, ये कचौरियाँ बनने आ गई हैं, देखो कैसे इस तरीके से चौड़ा के और इस में थोड़ी ना है। ये है वो। तो भैया बना रहे हैं प्याज की कचौरी, देख लो आप। ये तेल कौन सा यूज़ करते हैं अपन? रिफाइंड यूज़ करते हैं। ये भैया है आपके, अगर इनकी गांव तक पहुँचे, आपके गांव तक पहुँचा दें वीडियो, हैं पहुँचा दें। एक बार नाम बताओ गाँव का क्या है दोबारा से? अनुपरा। ओके, तो एक बार बताओ आप इसमें ऐसे कितनी कचौरी बना देते हो एक साथ? 250 बना देते हो जब ऑर्डर होता है, स्पेशली संडे को ज़्यादा बनती होगी? संडे को ज़्यादा। तो मज़ा आता है काम करने में? वो गर्मी में भी आता है, जब ज़्यादा गर्मी होती तब भी मज़ा आता है? अरे क्या बात है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हुई बात ना।
गर्मी लगती नहीं ना सर्दी लगती है। देखो भाई हमारी कचौरी जो है ऑलमोस्ट आधी सीख चुकी है, आधी सीखना बाकी है और भाई लगे पड़े। ये जो तीनों दुकान है भाई लक्ष्मी नमकीन भंडार 1954 ये सब इनकी है। ये लो साहब वो टाइम आ ही गया जब हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बन चुकी हैं। कचौरी अब ट्राई करके देखते हैं। ये देखो अब ये जो कचौरी है ना ये है असली चटनी का राज। ये तो कचौरी का साइज ही बहुत बड़ा है और ऊपर से ये चटनी और ऊपर से देखो वो वहाँ पे ये जो चटनी। हाँ हाँ तो अपन खाएंगे इसको। अच्छा इसमें इसमें और उसमें बस इतना सा फ़र्क है इसमें पानी है उसमें नहीं है, है ना। ओके चलो फाइनली ऐसी कचौरी खाने वाले जिसके जो लोग सिर्फ चटनी के वजह से खाते हैं और वो यही यही। सबसे पहले चीज़ ये पेस्ट जो है ना ये चटनी का पेस्ट ये भैंस कितना शानदार। भाई ये ऐसा स्वाद है जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। खट्टापन है आई डोंट नो मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। इसको जब आओगे तभी पता चलेगा कि ये कैसी है। बहुत ही शानदार ये चटनी है गजब। भैया कैसी लगती है आपको ये कचौरी? अच्छी लगती है। इसमें चटनी के लिए अच्छी लगती है या कचौरी ज़्यादा अच्छी लगती है? चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। भैया आप बताइए आपको कैसी लगती है? ठीक लगती है। मतलब कचौरी ज़्यादा अच्छी है या चटनी ज़्यादा अच्छी है? दोनों ही बेटर है। दोनों ही बेटर है। तो कितना टाइम से खा रहे हो आप? बहुत टाइम हो गया भाई। कचौरी खा के ना सीरियसली मज़ा आ गया भाई। ब्रिलियंट कचौरी थी यार। ये लक्ष्मी वाले भैया अंकल जी ने ऐसा स्वाद तैयार करके जिसका हम जयपुर वाले ना बरसों आनंद उठाएंगे। बरसों मैं कह रहा हूँ ख़त्म ही नहीं हो गया आनंद। ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। कैसा लगा जरूर बताना। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो ये कचौरी भैया कितनी पुरानी है आपके हिसाब से? कैसी पुरानी? दुकान पे तो दुकान बहुत पुरानी है 50 साल पुरानी है दुकान। 50। आपका नाम क्या है? लाला राम प्रजापति। कहाँ के रहने वाले लाला राम?